क्रोमेटोग्राफी का मतलब मैंने कल भी तुमको बताया था, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ द एलिमेंट्स जो कि बहुत माइक्रो माइक्रो क्वांटिटीज़ में होते हैं, ठीक है। यानी आपके पास क्वांटिटी का मिक्सचर है, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसको बहुत अच्छे से उसको देख सको, तो आपके पास जो बहुत लिमिटेड अमाउंट की क्वांटिटी होती है, जनरली हम क्या करते हैं, हम उसको क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के थ्रू सेग्रीगेट करते हैं या फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है, जिसका शॉर्ट नेम क्या होता है, जीसी, तो जीसी में क्या कहता है कि जो थ्योरी है ये जनरली आपके अमीनो एसिड्स के लिए डेवलप की गई थी, कि क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम ब्लड का सैंपल लेते हैं तो आपके ब्लड के सैंपल से कई चीज़ें आपकी डिटेक्ट होती हैं, आपका RBC, WBC, आपके ल्यूकोसाइट्स, एंटीबॉडीज़। तो हम ऐसा तो नहीं करते ना कि हम 1-2 लीटर खून निकाल लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो सैंपल होता है, सैंपल को सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम ग्रेविटी कंपाउंड, ठीक है। और फिर उस ग्रेविटी कंपाउंड के छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में ये क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और बिल्कुल माइक्रो क्वांटिटी में आपका सैंपल पूरा एनालाइज हो जाता है। जनरली ये जो पार्ट होता है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, पर क्योंकि हम इसको बायोलॉजिकल पर्पसेस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इट, जब हम इस पूरे प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास एक प्राइमरी लिमिटेशन है। लिमिटेशन कौन सी है, लिमिटेशन हमारे पास ये वाली है कि द प्राइमरी लिमिटेशन इज़ दैट द सैंपल मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग वोलेटिलाइज्ड। वोलेटिलाइज सैंपल अगर हमारे पास नहीं होगा, और वोलेटिलाइज होने पर भी, यानी उसको वेपर में वो कन्वर्ट हो जाए विदाउट अंडरगोइंग डीकम्पोजिशन, तो ये जो हमारे पास एक जो मेन बात है ये हमें ध्यान रखनी है व्हेन वी यूज़ गैस क्रोमेटोग्राफी। अब क्योंकि हमारे पास ये लिमिटेशन है, कई बार सैंपल क्या होता है, वोलेटिलाइज हो जाता है और डीकम्पोज भी हो जाता है, तो हम उसको आगे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे आप नाम से किस नाम से जानते हो, HPLC, ठीक है। फिर आता है कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है, यानी आपके पास क्या हो रहा है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर। मैंने कल भी बताया था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में आपके पास क्या हो जाएगा, जो नाम जनरली जो पहले नाम होता है जी, यानी फॉर गैस, वो क्या हो जाएगा, आपका मोबाइल फेज, ठीक है। और जो आपका स्टेशनरी फेज होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका एक लिक्विड फेज, यानी जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपका लिक्विड फेज हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई इसे मोबाइल फेज और लिक्विड फेज है क्या, तो मोबाइल और लिक्विड फेज का क्या मतलब है कि आपने क्या किया था, आपने एक कैरियर गैस यूज़ करी थी, जो कैरियर गैस आगे चल रही है, अपने आप आगे बढ़ रही है, वो क्या कहलाएगी, मोबाइल कहलाएगी। और क्योंकि वो जो आपके गैसियस फॉर्म में है, इसीलिए हमने क्या लिया, उसको मोबाइल फेज मान दिया, ठीक है। अब जो आपने कॉलम देखा था ना कल, इस तरीके का कॉलम था उसमें, ठीक है, तो ये जो कॉलम है जो अंदर, इसके अंदर भरा हुआ है, वो आपका स्टेशनरी फेज होगा, और वो स्टेशनरी फेज आपका क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल लिक्विड, जो कि एक सॉलिड सपोर्ट से बंधा हुआ होगा। यानी आप ये सोच लो कि एक सेमी सॉलिड टाइप का एक सब्सटेंस है, जो कि हमने क्या किया, हमने इसके अंदर इनपुट कर दिया। यहाँ से जब हम हमारा सैंपल डालेंगे तो ये कैरियर गैस इस सैंपल को लेके इस कॉलम के अंदर अंदर होते हुए डिटेक्टर तक पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, अगर हम ये ना चाहे, अगर हम लिक्विड सपोर्ट नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम गैस का सॉलिड के साथ में भी सपोर्ट ले सकते हैं। यानी गैस तो आपकी कौन सा हो जाएगा, मोबाइल फेज, और सॉलिड आपका कौन सा हो जाएगा, स्टेशनरी फेज, जिसमें जो सॉलिड है एडसॉर्बेंट की तरीके से काम करेगा। एडसॉर्बेंट पता है ना बच्चों, एडसॉर्बेंट यानी सरफेस के ऊपर जो भी आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे पॉइंट पे ले रही हूँ मैं। अब एक मिनट, अच्छा अब जब हम इस पूरे फेज को पढ़ रहे हैं, तो अब ये क्या कहता है कि भाई ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो क्या कहता है, ये गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ जनरली सिमिलर टू कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब आप कहोगे भाई हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो पढ़ा ही नहीं, तो कल मैंने आपको जो बताया था, जो एक TLC वाला पैटर्न बताया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि एक सॉल्वेंट हमने ले लिया, उसके अंदर हमने एक पेपर लगा दिया, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, उस पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जब हम ये काम क्या करेंगे, इस पेपर
की जगह हमने ये पूरा का पूरा एक ये समझ लो कि एक कॉलम में हमने इसको पैक कर दिया, यानी पेपर नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर क्या है कि आपकी जो गैस है वो क्या करती है, एक ये सोच लो कि एक कंटेनर के थ्रू वो क्या करती है, धीरे 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 करके पास ऑन होती है सैंपल को लेके। तो यहाँ पे ये जो अंदर ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर एक कॉलम की तरीके से, एक पैकेट की तरीके से काम करता है। तो अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा बैक में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, इसका जनरली क्रोमेटोग्राफी का जो पैटर्न होता है वो चाहे कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे आपका TLC हो, चाहे आपका HPLC हो, बेसिक प्रिंसिपल दोनों का सेम रहेगा। यानी एक आपका क्या रहेगा, मोबाइल फेज रहेगा, ठीक है, और दूसरा आपका क्या रहेगा, एक आपका क्या रहेगा, स्टेशनरी फेज, ठीक है। अब आते हैं कि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो है, इट इज़ बेस्ड अपॉन सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑन अ सॉलिड। सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑन अ सॉलिड बच्चों क्या हो जाएगा कि जब हम इसकी बात करते हैं कि भाई सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन यानी आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है। अब जब बहुत सारे कंपाउंड हैं तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि भाई मेरे तो सारे कंपाउंड एड्सॉर्ब हो गए, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो आपने यहाँ पे जो सॉलिड यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है, वो स्टेशनरी फेज कैसे काम करेगा कि जैसे ये पेपर था, ये पेपर स्टेशनरी है, इसको स्टेशनरी फेज मान लो, ठीक है, SP लिख रही हूँ। और ये जो लिक्विड था, ये आपका जो सॉल्वेंट था, ये आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल फेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये जब सॉल्वेंट धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है, तो मैंने कल भी एक बात कही थी कि सॉल्वेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स, यानी इसमें आपके कौन कौन से हो जाएंगे, आपका इथेनॉल हो सकता है, ठीक है, आपका प्रोपेनॉल हो सकता है, आइसोप्रोपेनॉल हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, मतलब 3 से 4 का तो मान ही लो कि 3 से 4 आपके सॉल्वेंट्स इसमें मिक्स होंगे ही होंगे। अब क्योंकि हर सॉल्वेंट क्या करता है, जैसे ही वो क्या करेगा, इस सॉल्यूट के कांटेक्ट में आता है, तो उसका एक कोई पार्ट या एक पर्टिकुलर, जैसे अमीनो एसिड ही मान लेते हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड किसी इन तीनों चारों सॉल्वेंट में से किसी एक में डिसॉल्व हो जाता है। तो सपोज़ ये कंपोनेंट जो हमने जिसका डॉट लगाया था, ये कंपोनेंट 5 का मिक्सचर है, ठीक है, तो इसमें से करीबन 2 या 3 तो ऐसे होंगे, सपोज़ हमने वो इथेनॉल में सोल्यूबल हो गए, अब बच्चे कौन से, सपोज़ 2 हो गए, ठीक है, अब बच्चे कौन से, 3, उसमें से कोई एक होगा जो एसीटोन में सोल्यूबल होगा, ठीक है, फिर उसमें से कोई एक और होगा जो कि आपका कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होगा, फिर एक और होगा जो कहीं ना कहीं प्रोपेनॉल से साथ में सोल्यूबल होगा। तो हम ये जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट्स करते हैं, ये चॉइस ऑफ सॉल्वेंट्स आपको एक अपने एक अजम्पशन लगाना होता है कि भाई हम कितने तरीके के सॉल्वेंट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक आइडिया नहीं होता कि भाई कौन सा किस में डिसॉल्व हो जाएगा, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो कंपोनेंट ही नहीं पता अभी, तो हम कैसे जान लेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट किसको सोल्यूबल कर देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर लेते हैं, तो ऐसा एक सेट हमने ये तैयार कर लिया, किसी और सेट में हम ये चारों की जगह कोई और 4 सॉल्वेंट्स ले लें। तो डिपेंड करता है कि हम कितने तरीके के सॉल्वेंट्स हम ले रहे हैं। और यहाँ पे जब ये मोबाइल फेज धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेगा, तो ये क्या कर रहा है, इसमें से अपनी पसंद का, पसंद इन द सेंस जो इसके साथ में कंपेटिबल होगा, ठीक है। तो ये जो 2 कंपोनेंट्स थे इस पूरे पॉइंट पे, है ना, तो ये दोनों क्या हुए, इथेनॉल में सोल्यूबल हो गए। तो इथेनॉल ने क्या किया, सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब कर लिया इन 2 कंपोनेंट्स को, ठीक है। फिर एसीटोन ने क्या किया, एसीटोन ने फिर अपने अकॉर्डिंग जो उसके अंदर इजीली सोल्यूबल हो सकता था उसे कंपोनेंट को एड्सॉर्ब कर लिया। फिर प्रोपेनॉल का नंबर आया, प्रोपेनॉल ने क्या किया, फिर एक कंपोनेंट को अपने अंदर एड्सॉर्ब कर लिया। तो ऐसे करते करते जो इसने टर्म दिया है, टर्म कौन सा दिया है, सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन यानी कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो कि सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब हो रहा है किसके अंदर, जो आपका सॉलिड है, यानी जो आपका एड्सॉर्बेंट है, जो स्टेशनरी फेज है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि भाई फिर मोबाइल फेज में क्यों नहीं एड्सॉर्ब हो रहा, भाई मोबाइल फेज में अगर वो एड्सॉर्ब हो जाएगा बच्चों, तो मोबाइल फेज क्या करेगा, वो तो डिटेक्टर पे ले जाके छोड़ देगा,
ठीक है, तो ये तो सारे डिटेक्टर पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमने किसको लिया है, जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो क्या करेगा, सेलेक्टिवली एड्सॉर्प्शन करेगा। ठीक है, फिर आता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी गैस आपका करियर फेज है, लिक्विड आपका स्टेशनरी फेज है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करेगा आपका जो गैस है और इमोबाइल लिक्विड फेज है। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप पार्टीशन कोएफिशिएंट करते हो ना, आपने एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, हमेशा बीएससी एमएससी में एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन के क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है, एक बेंजीन ले लेते हैं और एक शायद वाटर लेते हैं, फिर उसको अच्छे से उसको हिलाते हैं उसमें सेपरेटिंग फनल में, फिर वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट करते हो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब ये डेवलप किसने करी, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई वैसे पूछता नहीं है इसमें, ठीक है, कभी कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाए। बच्चों एक मिनट, तो अभी क्या कहता है कि ये जो आपका गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है ये डेवलप किसने करी थी, कोहलर ने और थील ने। तो थील का नाम हमेशा आएगा यहाँ पे, थील आपका क्रोमेटोग्राफी का वैसे फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी के नाम से काफ़ी फेमस है, उसके ज़्यादातर क्रोमेटोग्राफी में आपको थील का नाम मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ। द गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ मोर पॉपुलर देन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। क्यों पॉपुलर है, क्योंकि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमें क्या है, हमें एक सॉलिड सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब सॉलिड सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सॉलिड को हम भर के इसमें रहें, उस चैनल में भर रहे हो, तो चैनल में कई बार क्या होता है, जब हम सॉलिड सपोर्ट भरते हैं तो उस चैनल में क्या होता है, कहीं गैप्स रह जाते हैं। तो लिक्विड के केस में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ मच मोर पॉपुलर। और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए ये डेवलप किसने करी थी, मार्टिन एंड सिंच ने। तो अब मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब ये क्या कहता है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है या ये जो पूरी क्रोमेटोग्राफी है, इस पूरे क्रोमेटोग्राफी में हमें एक्चुअली में देखना क्या है, भाई हमें देखने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, कि ये कहता है कि जब भी हम इसकी सॉरी बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस दैट आर बीइंग कैरिड ऑन। ठीक है, तो जब तक हमें कोई एडवांटेज नहीं होगी, हम क्यों उस पर्पज़ को, हम क्यों उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अपना टाइम ख़राब करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, पहली एडवांटेज क्या है, द टेक्निक है स्ट्रॉन्ग सेपरेशन पावर एंड इवन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कैन बी रिजॉल्व। तो इसका तो मेन पर्पज़ यही है कि भाई ये जो टेक्निक है इसकी सेपरेटिंग पावर, सेपरेटिंग पावर यानी आपका जो मिक्सचर दे रखा है जिसको कि आप नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, दैट मिक्सचर उसको सेपरेट करने की टेंडेंसी, ठीक है, और कितना भी वो कॉम्प्लेक्स हो, ये जो टेक्निक है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी की, इवन क्रोमेटोग्राफी की, ये टेक्निक हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिस्ट्रीब्यूट या सेग्रीगेट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, द सेंसिटिविटी ऑफ द मेथड इज़ क्वाइट हाई, यानी आपका जो मेथड है उसकी सेंसिटिविटी जो है, उसकी जो एक्यूरेसी है, जो प्रिसीशन है, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि द सैम्पल हैज टेकन इन माइक्रोग्राम्स, यानी फ्यू मिलीग्राम्स या मिलीग्राम से भी नीचे आ जाओ, माइक्रोग्राम्स में भी अगर आप सैंपल ले लोगे, जैसे आप पीपीएम वाला सैंपल लेते हो, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन वाला, वो भी आपका इसमें एनालाइज हो जाएगा। ठीक है, प्रिसीशन और एक्यूरेसी, आई होप सो आपको सबको पता होगा, प्रिसीशन यानी प्रिसाइज रिजल्ट, प्रिसाइज रिजल्ट यानी जो रेपिटेटिव रिजल्ट है, ठीक है, जो आपका एक ही रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग कंडीशन या अलग अलग, जैसे मैंने किया मेरे पास वही रिपीट हो गया, ठीक है, या दूसरे ने किया तो उसके आसपास रिपीट हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए, 0.01 का 0.001 का डिफरेंस पे हो सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी यानी एक ही रिजल्ट बार 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 रिपीट हो रहा है, आप किसी भी कंडीशन अप्लाई कर दो तो वो एक्यूरेसी कहलाएगा। एनालिसिस जो है काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ रिलेटिवली लो एंड इट्स लाइफ इज़ जनरली लॉन्ग, यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो क्या है, आपका जो एक तो चीप है ये, ठीक है, और जो इसकी लाइफ टाइम है यानी इसको बहुत ज़्यादा हमें
इसको केयरफुली रखने की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज़ ये टेक्निक जो है ये बहुत पुरानी टेक्निक है और अभी भी कई मतलब कई चीज़ों के इसमें ये यूज़ होती है। द टेक्निक इज सूटेबल फॉर द रूटीन एनालिसिस। रूटीन एनालिसिस यानी जैसे आपकी कोई लैब है, तो लैब में क्या हुआ, आपने सैंपल डाल दिया, अब यू वॉन्ट टू नो तो आपको कितना जल्दी, वो कहेंगे कि भाई आपको हम 5 दिन में रिजल्ट दे देंगे या 2 दिन में रिजल्ट दे देंगे। तो ये रूटीन एनालिसिस में डेली टू डेली पर्पस में ये ऑपरेट किया जा सकता है टेक्निक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है तो हाईली स्किल्ड पर्सन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है बच्चों, फिर आता है गैस क्रोमेटोग्राफी इज एट प्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एंड पावरफुल टूल्स अवेलेबल फॉर सेपरेशंस। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक आपके कहाँ पे यूज़ में आ रही है, क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी है, इसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है, सेंसिटिविटी अच्छी है, ठीक है, प्रिसाइज रिजल्ट्स हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, बहुत हाईली स्किल्ड हमें यहाँ पे चाहिए नेबर कर, तो ये टेक्निक हमारी बहुत अच्छे से यूज़ में आती है। अब इसने एक एग्जांपल दिया है, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट 10 isomers ऑफ हेप्टेन। तो अब हेप्टेन के कितने, 10 isomers, कितनी इसकी डिटेक्शन लिमिट है, विद इन 10 seconds, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लेगी। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो कैपेसिटी है, कितना सैंपल रिक्वायर्ड है, 10^-12 से -14 ग्राम। तो मैंने पहले ही कहा था सैंपल आप PPM में भी रेडी कर सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन यानी 10^6। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का देखो, इसमें मैंने तो यहाँ पे कई कई लाइनें मैंने ऐसे क्रॉस से कर रखी हैं, ठीक है, ये सिर्फ मेरे। अब हम आते हैं, मैंने गैस और वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एन एडसॉर्बेंट, ठीक है, क्या कह रहा है, अब प्रिंसिपल पर आते हैं। ये क्या कहता है, कोई भी गैस है या वेपर है, वो जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा कि उसकी कुछ क्वांटिटी उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एड्सॉर्प्शन तो सबको पता है, और ये जो एड्सॉर्प्शन का लॉ लगता है, हम 2 लॉ फॉलो करते हैं, एक तो फ्रेमलिक का लॉ फॉलो करते हैं और एक लैंगमर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉलो करते हैं। तो फ्रेमलिक के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि x/m यानी आपका जो x अमाउंट है, ठीक है, कितनी उसने एड्सॉर्प्शन करी, m यानी कितना मास आपका उसमें प्रेजेंट था, ठीक है, और k कांस्टेंट है, c यानी कंसंट्रेशन ऑफ दी जो आपका वेपर है जो कि एड्सॉर्ब हो रहा है गैशियस फेज में, उसकी कंसंट्रेशन, पावर 1/n। 1/n यानी वो क्या कर रहा है कि कई बार क्या होता है कि आपका जो सैंपल है, वो सैंपल क्या करता है, किसी कंपोनेंट में ब्रेक होता है, डिसोसिएट हो जाता है, या मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होता है, या वो बाई मॉलिक्यूलर एड्सॉर्ब होता है, या वो ट्राई मॉलिक्यूलर एड्सॉर्ब होता है। तो ये n क्या है, द नंबर ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है, लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या कहता है कि x/m इज इक्वल्स टू x, वही कौन सा है, मास ऑफ द गैस या वेपर जो कि एड्सॉर्ब हुआ है। ठीक है, m यानी मास जितना आपने लिया था, जो उसका सॉल्वेंट का जो एड्सॉर्बेंट का मास जो है, ठीक है, यानी कितना हो गया, कितना आपने लिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सी और सी, दो कंसंट्रेशन है, सी और सी कौन से दो कंसंट्रेशन है, यानी ये क्या कह रहा है कि ये पूरा, क्योंकि एक बार में एड्सॉर्ब नहीं होता है ये गैशियस फेज, तो ये क्या करेगा कि पहले एक कांस्टेंट इसने ये ले लिया K1, ठीक है, फिर दूसरे कांस्टेंट के साथ में K2, फिर तीसरे कांस्टेंट के साथ में K3, तो ये डिपेंड करता है कितना हद तक हम जा सकते हैं, पर क्योंकि ये एक बहुत लंबी लिमिट नहीं होती इसमें, तो ये क्या करता है, x/m इक्वल्स टू K1 यानी दो ही रेट कांस्टेंट तक उसको सीमित कर देता है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि इफ़ द वेपर और द गैस कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ लिक्विड। अब ये लिक्विड है, ये तो हमने क्या लिया था, सॉलिड एड्सॉर्बेंट, तो अब हमने क्या लिया था, इफ द वेपर और गैस कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ लिक्विड अ फिक्स अमाउंट ऑफ इट या गैस जो है इट इज़ डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। तो आपको भी पता है, जैसे कोका कोला वाला एग्जाम्पल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है उसमें, जैसे ही आपने बॉटल खोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अंदर पूरी डिसॉल्व नहीं होती, जैसे बॉटल खोलते वो निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से उसका एड्सॉर्प्शन ही तो हुआ, वो सरफेस पे तो प्रेजेंट थी, या कुछ हद तक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में ऊपर के लेयर्स में प्रेजेंट थी, अंदर बहुत ज़्यादा होती तो वो कोई कंपाउंड बना लेती और वो निकलती नहीं।
ठीक है, तो हम यहाँ पे यहाँ यही कह रहा है कि जब गैस अगर लिक्विड के साथ में कांटेक्ट में आती है तो गैस क्या हो जाती है, उसमें कुछ हद तक डिसॉल्व हो जाती है, पर सिर्फ अपर लेयर्स तक, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, एडसॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है? एड ए डी एब्जॉर्प्शन वाली कर रहे हैं, ए बी एब्जॉर्प्शन वाली बात नहीं कर रहे। द फिनोमिना टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ ऑफ पार्टीशन। तो ये हेनरीज लॉ ऑफ पार्टीशन, यहाँ पे जो मैंने आयोडीन वाला एग्जांपल बताया था पार्टीशन कोएफिशिएंट का, वही वाली बात हो रही है कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टेकन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द गैशियस फेज। तो अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया के कॉन्स्टेंट लगा दिया। तो ये क्या कहता है, क्योंकि इसमें जो इसका एड्सॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना गैस लिया, कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई, कितना आपने एड्सॉर्बेंट लिया और कितनी कंसेंट्रेशन प्रेजेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, द फिनोमिना इज सेलेक्टिव। सेलेक्टिव क्यों है, क्योंकि हर गैस की एक लिमिटेड कैपेसिटी ही एड्सॉर्ब होगी। ऐसा कहीं नहीं होगा कि आपने गैस पास ऑन करी और वो पूरी की पूरी गैस किसी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गई, ये कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी क्या कहता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ, अभी इसने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, अब एक्सपेरिमेंट मैं वैसे समझा देती हूँ, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना। अ गैस दैट इज फ्लोइंग स्मूथली एट द रेट ऑफ 3 फीट पर मिनट। ठीक है, एक एम्प्टी ट्यूब में से गैस जारी है, उसकी रेट ऑफ फ्लो क्या है, 3 फीट पर मिनट। ठीक है, और यहाँ पे ट्यूब की लेंथ कितनी है, 6 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल टाइम कितना हो गया, 2 मिनट्स, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, यानी एक इस पॉइंट से गैस के इस पॉइंट तक, ट्यूब के इस पॉइंट तक आने में गैस को कितना लगेगा, 2 मिनट्स। ठीक है, अगर यही ट्यूब इट इज़ फिल्ड विद द सैंड, ठीक है, द गैस विल फ्लो इट थ्रू मोर स्लोली, क्यों होएगी, कौन बताएगा, फटाफट से यहाँ पे लग चुकी है। तो ये क्या कहता है कि जब इस तरीके का फिनोमिना हो रहा है, तो ये कह रहा है कि इफ़ द रेट एट विच द गैस फ्लोज इन द सैंड फिल्ड ट्यूब इज 2 फीट पर मिनट, तो ये क्या ले लेगा, 3 मिनट लेगा, यानी ज़्यादा टाइम लेगा। जब ज़्यादा टाइम लेगा तो यही प्रिंसिपल हम कहाँ फॉलो कर रहे हैं बच्चों, गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम में, यानी जितना धीरे धीरे, एक तो ये हुआ कि गैस रश करके यहाँ तक आ गई, अब ये हुआ जैसे ऐसे क्लास से समझो कि क्लास जैसे ही ओवर हुई सारे बच्चे भाग के बाहर आ गए, ठीक है, आप देख ही नहीं पाए कि क्लास में से कितने बच्चे निकल रहे हैं। ठीक है, आपने क्लास काउंट नहीं करी शुरुआत में, अब क्या हुआ, आपने क्या किया, क्लास का जो गेट है उस गेट को सिर्फ ऐसा छोड़ दिया कि उसमें से एक या दो बच्चे एट अ टाइम बाहर निकल पाएंगे, तो अब वो एक या दो बच्चे जो भी निकल रहे हैं, द काउंटिंग फॉर यू इज़ वेरी ईजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब हम इसमें एक एड्सॉर्बेंट अगर मैं डाल दूँ, एक ऐसा सॉलिड पर्पस यहाँ पे इसको मैं भर दूँ, तो जो गैस इसमें से निकलेगी, पास ऑन होगी, वो धीरे 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 करके तो आगे जाएगी। अब हो सकता है कि उसके जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट यहीं रुक जाए, वो आगे जाए नहीं, यहीं पर एड्सॉर्ब हो जाए, दूसरा कॉम्पोनेंट क्या हुआ थोड़ा सा यहाँ रुक जाए, ठीक है, तीसरा कॉम्पोनेंट हो सकता है कहीं यहाँ रुक जाए, चौथा कंपोनेंट हो सकता है कहीं यहाँ रुक जाए, क्योंकि सारे कंपोनेंट एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, तो हर एक की जो एड्सॉर्प्शन की कैपेसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, तो यही प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन की द कैपेसिटी या एड्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम। यहाँ तक आई बच्चों बात समझ में, कि द गैस इज़ मूविंग, जो गैस मूव करी है, क्योंकि जो मूव करी है वो मोबाइल है, तो नाम क्या रख दिया हमने, मोबाइल फेज। जो अंदर प्रेजेंट है, जो नहीं मूव कर रहा है, जो सैंड है इसमें, वो क्या है, स्टेशनरी फेज। द गैस दैट इमर्जेस आफ्टर इट हैज़ पास थ्रू द कॉलम इज कॉल्ड द एफ्लुएंट। अब जो गैस इसमें से बाहर निकलेगी, यहाँ से तो ये कैरियर थी, ठीक है, पर यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, ये एफ्लुएंट, एफ्लुएंट यानी जो बाहर निकाल रही है। अब हुआ क्या, अब इसको ऐसे समझो, मैं यहाँ पे लेके आती हूँ आप लोगों को, इसमें ये कॉलम है, ठीक है, अब इस कॉलम में क्या हुआ, यहाँ पे मैं अलग अलग कलर से मार्क कर देती हूँ कि भाई एक यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गया नंबर 1 अमीनो एसिड, ठीक है, ये यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गया नंबर 2 अमीनो एसिड, ठीक है,
ये यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गया नंबर 3 अमीनो एसिड, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गया नंबर 4 अमीनो एसिड। अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ से अंदर गैस गई, ठीक है, गैस जब जाती गई बाहर तक, यहाँ तक आ गई, तो उसके बीच में, उसके अंदर जो आपने सैंपल डाला था, उस सैंपल के चारों कंपोनेंट्स इस स्टेशनरी फेज ने क्या कर लिए, ये स्टेशनरी फेज है, ठीक है, इस स्टेशनरी फेज ने यहाँ पे क्या कर लिया, सारा का सारा सब कुछ एड्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, ये हो गया एड्सॉर्ब। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि भाई मुझे मिला क्या, कुछ नहीं मिला ना, बाहर क्या आया, कुछ नहीं आया, ये तो खाली कैरियर गैस आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब हम पीछे से इस कैरियर गैस के ही थ्रू हम क्या करेंगे, हम एक सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट कौन सा डालें, ऐसा सॉल्वेंट डालें जो कि क्या करेगा, इनमें से किसी एक कंपोनेंट को, जैसे जैसे वो सॉल्वेंट आगे बढ़ेगा, वो सपोज नंबर 2 वाला कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को वो क्या करेगा, अपने अंदर पूरा क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फेस में, हम उसको क्योंकि डाल रहे हैं तो लिक्विड ही फेस में वो क्या करेगा, या तो लिक्विड फेस में या गैशियस फेस में, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वो बाहर आएगा। अब बाहर ये जो आया है लिक्विड या ये गैस, इसने क्या कर लिया, इसके अंदर आपका सैंपल का एक हिस्सा प्रेजेंट है, और जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो उससे हमें पता पड़ेगा कि इसमें कौन सा सैंपल प्रेजेंट था। तो ये जो बाहर आ रहा है सैंपल का एक हिस्सा लेके, दैट इज़ नोन एज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी बाहर निकलना, ठीक है, क्लियर है टर्म। अब यहाँ पे जब ये एफ्लुएंट में से हम इस सैंपल को डिटेक्ट कर लेंगे, तो ये तो एक ही सैंपल का पीस आया, दूसरा हम क्या करें, अब दूसरा कोई सॉल्वेंट डाल दें, तो ये काम हम बार बार सॉल्वेंट डालें, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो पूरा स्टेशनरी कॉलम है, इस पूरे स्टेशनरी कॉलम को ही हम क्या करें, बाहर पुल कर लें, और इसको छोटे छोटे पीसेस में हम क्या करें, तोड़ लें, और इनको पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स में डाल के वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एफ्लुएंट कहलाएगा, ठीक है। एफ्लुएंट यानी आपका जो सैंपल जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसको लेके जो लिक्विड या गैसेस बाहर आएगा वो आपका एफ्लुएंट कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ आ जाते हैं कि जब हम इसी पार्ट पे बात कर रहे हैं, इन प्रैक्टिस द मोबाइल फेज शुड बी रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन द स्टेशनरी फेज, तो जो आपका मोबाइल फेज है वो मोबाइल फेज क्या कह रहा है, वो आपका इनसॉल्युबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मोबाइल फेज जो इस पूरे बेस का हिस्सा बन रहा है, जो कि सैंपल को साथ में लेके जा रहा है, अगर वो मोबाइल फेज ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा ना, वो तो सैंपल के साथ में ही उसने तो रिएक्शन कर लिया। तो हमें यहाँ पे ये वाला काम ऐसा नहीं करना है, वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, और स्टेशनरी फेज ऐसा ही हो कि आपके सिर्फ सैंपल को एनालाइज करें, ठीक है। फिर आता है अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द वेसल हैज बीन सील्ड, अब हमने वेसल को हमने क्या कर लिया, हमने सील कर दिया। द गैस बी इन द गैशियस फेज कम्स टू एन इक्विलिब्रियम विद द गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड फेज, अब ये आपको क्या कहेगा, अब यहाँ से आपको पहुँच जाता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे समझो कि इसने क्या किया, इसने गैस बी ली जो कि किसी लिक्विड ए में इसने डिसॉल्व कर दी। अब इसने क्या किया, जब इसको बहुत टाइम हो गया, तो ये जो आपका गैशियस फेज है जो कि इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा था, वो गैशियस फेज क्या करेगा, एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम बना लेगा, यानी जितना डिसॉल्व हुआ उतना ही वो क्या कर रहा है, कंटेनर में बाहर आ रहा है, पर कंटेनर क्योंकि सील्ड है, पैक्ड है, तो हमें कंटेनर में इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा। पर ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों कह रहे हैं बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज द रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, यानी जितना आपका लिक्विड जो है वो एड्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, उतना ही आपका वो क्या करेगा, उस लिक्विड में से गैस जो है वो क्या हो जाएगी, डिसॉर्ब भी होगी, यानी जितनी एड्सॉर्ब हो रही है उतनी ही बाहर भी निकल रही है, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि जब हमने इसको पूरे को देख लिया कि भाई ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी हो रहा है, ये सब कुछ ले रहा है, तो उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये क्या कहेगा कि जैसे इसके पास ये वाली चीज़ आती है, सॉरी बच्चों बार बार उतर जाता है,
जैसे इसके पास से डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप क्या करोगे, आपका ये जो इक्विलिब्रियम है वो किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, पता है ना कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस कॉन्स्टेंट रखनी पड़ती हैं, नहीं तो आपका कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा, ली चैटेलिए प्रिंसिपल वाला। ठीक है, फिर ये कहता है कि इट कैन बी शोन दैट ऑन द एवरेज ईच मॉलिक्यूल ऑफ बी स्पेंड्स अ कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन द लिक्विड फेज। तो ये सिर्फ आपके समझ के लिए प्रिंसिपल जहाँ तक की बात है, प्रिंसिपल आपका कहाँ तक आ जाएगा, द प्रिंसिपल इज सफिशेंट ओनली इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, बाकी ये सब आपको अलग अलग एग्जांपल देके समझा रहा है कि भाई ए फेज़ हो गया, दो फेज़ हो गया, तीन फेज़ हो गया, उसमें इक्विलिब्रियम आ गया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर लिया, वो अपना एक पर्टिकुलर टाइम उसमें स्पेंड करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो 40% टाइम ए में रहा तो 60% टाइम वो गैस में रहेगा, फिर इक्विलिब्रियम फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, बार बार आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, बार बार वो इक्विलिब्रियम रीअटेन होने में टाइम लेगा और वो आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये अभी हम एक एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे, यहाँ से आपको इस पैराग्राफ को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है कि वही 2 फीट पर मिनट 1.2 इसको छोड़ देना। जो मेन बात है करने वाली वो है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट, और ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट है या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, द के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन द लिक्विड फेज और कंसंट्रेशन इन द गैसियस फेज। किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सैंपल की। ठीक है, तो ये जो लिक्विड फेज में निकलेगा वो आपका एफ्लुएंट होगा, जो सैंपल फेज में आपने डाला था वो आपका गैसियस फेज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। तो अब ये क्या कहता है कि बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप, हम यहाँ पे टाइम की बात करते हैं, अब हम इसको टाइम में कन्वर्ट करते हैं, जो मैंने अभी भी कहा था कि ये क्या कहता है कि जो फेज जितने टाइम वो किसी पर्टिकुलर फेज में स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो उतने के टाइम में वो क्या कहता है कि यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट है और वो गैसियस फेज में या मोबाइल फेज में उसका टाइम T0 है, तो सॉल्वेंट या स्टेशनरी फेज में वो क्या करेगा, सपोज उसका टाइम टोटल टाइम जो पूरे कॉलम को पास करने में लगाता है TR हो जाएगा, तो स्टेशनरी फेज में वो कितने टाइम रहा, TR - T0। यानी ऐसे समझो कि ये जो ट्यूब थी या ये जो कॉलम था, यहाँ से जब आपने इसको पास ऑन किया, ठीक है, तो वो इस गैशियस फेज में कितनी देर रहा, वो रहा T0। जब वो बाहर तक निकल गई गैशियस फेज, यानी यहाँ से यहाँ तक उसने पूरे सैंपल को एब्जॉर्ब करा दिया, वो टोटल टाइम क्या हो गया, TR। तो वो इसके अंदर कितनी देर रहा, TR - T0। और क्योंकि इनिशियली टाइम कितना था, T0, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हो, ये आपका एक न्यूमेरिकल का पोर्शन बन जाता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो अब आपको एग्जांपल दे देगा कि भाई बता दो अब इसमें कि तुमने क्या कैसे लिया, तो वो अब ये कहेगा कि भाई अब जो मैंने ऐसे लिया कि भाई इसमें एक कोई गैस ले ली, वो क्या कहेगा कि मैंने कोई गैस ले ली, उस गैस में मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे सैंपल को ले लिया, अब वो इतने टाइम इसमें रहा, इतने टाइम इसमें रहा, तो बताओ भाई कितने टाइम किस में रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो इतने इतने बात कर ही रहा है, तो हम क्या कहें कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम क्या ले लिया, एक गैस ली, ठीक है, उस गैस में सी गैस थी, उसने 20% लिक्विड ए में बिताया, 80% ऑफ इट्स टाइम वो गैसियस फेज में बिताएगा, तो अब बताओ भाई उसने कितना टाइम वो स्टेशनरी फेज में रहा। तो आप क्या करोगे, 80 जाता है, आंसर माइनस में आएगा नहीं, ठीक है, तो 80 जाता है, इनिशियल 20 है, तो आप 80/20 - 1 कर दो, तो भी आपका आंसर वही आएगा, चाहे 80 - 20/20 का। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है। मैं कुछ गैसेस लेता है, जैसे कि इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम है, इट फ्लोज टू द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सच गैसेस डू नॉट इंटरैक्ट विद एंड दस स्पेंड नो टाइम इन द स्टेशनरी फेज। तो इनर्ट गैसेस जो है हम कैरियर गैस में यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि जो हमारी कैरियर गैस है उसका रिएक्शन
एडसॉर्बेंट से ना हो जाए। अगर वो ही एडसॉर्ब हो जाएगी तो हम सैंपल में हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएगी। एक्चुअली में सैंपल कितने एडसॉर्ब हुआ हमें नहीं पता पड़ेगा, ठीक है। तो कैरियर गैस आप कोई सी भी इनर्ट गैस ले सकते हो दैट कैन फ्लो स्टेडली थ्रू दी कॉलम। अब आगे क्या कहेगा कि द सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू द कैरियर गैस, जैसे मैंने कल एग्जांपल में आपको बताया था फिगर के थ्रू। कैरियर गैस में हमने साथ में सैंपल इंजेक्ट किया, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में इसको डाल दिया, तो सैंपल क्या हो जाएगा, सैंपल का टाइम जो है वो स्टेशनरी और कैरियर गैस के बीच में वो क्या करेगा, थोड़ा 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 करके टाइम आगे स्पेंड करता जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, कैरियर गैस खाली बाहर आ जाएगी, ठीक है। We have seen with the liquid substrate the process can be used to separate gases from each other. तो liquid substrate है तो आपका कौन सा हो जाएगा, gas liquid chromatography. Solid substrate हो जाएगा तो liquid का आपने carrier use किया है तो liquid solid chromatography, ठीक है। Different species of the molecules spend different periods of time, तो कौन सा हमारे पास process लग गया, adsorption coefficient का time यहाँ पे लग गया। तो एडसॉर्प्शन कोएफिशिएंट जैसा होगा, जितना ज़्यादा एडसॉर्प्शन होगा टाइम उसका उतना ज़्यादा होगा। स्टेशनरी फेज में आपको ये नोट करना है, देयरफॉर डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ द टाइम इन द मोबाइल और द मूविंग फेज आर ऑब्जर्व। तो जितना ज़्यादा एडसॉर्प्शन कोएफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा स्टेशनरी फेज के अंदर वो जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएगा। जो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड होगा जिसका एड्सॉर्प्शन बहुत कम होगा वो सबसे लास्ट में जाके एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो अभी क्या कहता है कि जैसे जैसे ये आपका आगे बढ़ता चला जाएगा इट विल अफेक्ट द लेंथ ऑफ द टाइम जो भी है गैस के पास ऑन हो रही है। द रिकॉर्ड इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफ, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आइए सबको, एक इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि प्रीवियसली जो कंपाउंड बी है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, बिटवीन द लिक्विड फेज। ए एंड द गैस फेज आर इन द रेशियो 40%, यानी 40% आपका लिक्विड में रह रहा है, 60% आपका गैस पर है। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आपका लिक्विड है, ठीक है, तो जो भी आपका लिक्विड और गैस है तो आप गैस के अंदर तो लिक्विड नहीं पास करोगे ना, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड को आप स्टेशनरी फेज लोगे और गैसेस को आप मोबाइल फेज बनाओगे। ऐसा मत कर देना कि गैस को आपने स्टेशनरी फेज ले लिया, इसमें से जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी वो ही आपका मोबाइल फेज बनेगा, जिसकी मोबिलिटी कम होगी वो आपका स्टेशनरी फेज बन जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, जो भी आपका गैस और लिक्विड है तो गैस मोबाइल बनेगा, लिक्विड स्टेशनरी बनेगा। लिक्विड और सॉलिड है तो सॉलिड स्टेशनरी बनेगा, लिक्विड मोबाइल बनेगा। तो जैसे ही आपने स्टेशनरी और मोबाइल फेज आइडेंटिफाई कर लिए उनकी वैल्यूज लिखो एंड यू विल गेट अ पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है। मोल्स में कह रहा है तो मोल्स में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन कर रहे थे, ठीक है। तो वी क्या है, वॉल्यूम इन द सॉलिड फेज, वॉल्यूम इन द मोबाइल फेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया हमने, तो क्या आ गया आपका के बी, यानी ये पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है बच्चों यहाँ तक।